एनिमिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर्स राजेश सहगल ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि नई लिस्टेड कंपनियों में निवेश के बेहतर मौके हैं। उनके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर फोकस करना चाहिए। सबसे टॉप लेयर जो है उसमें सबसे ज्यादा करेक्शन हुआ है। जो सेकंड लेयर है वो ऐसी कंपनीज का है जो एकदम बड़ी नहीं हो चुकी है, एकदम मेच्योर नहीं हुई है, बट काफी उन्होंने पैसा रेस किया हुआ है, 25-50 मिलियन डॉलर, यू नो 300-500 अप टू 1000 करोड़ रेस किया हुआ है। आई थिंक उन कंपनीज में अभी एक एक डिफरेंस हो रहा है बिटवीन ऐसी कंपनीज जिन्होंने वो पैसा अच्छी तरह इस्तेमाल किया है बिजनेस में और बिजनेस ग्रो किया है, वर्सेस जो दूसरी कंपनीज हैं जिन्होंने ये पैसा यूज कर लिया है लेकिन उसके उसके सामने उनके पास कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ग्रोथ दिखाने के लिए कुछ यू नो रेलिवेंट चीजें नहीं है। सो आई थिंक उसमें वैल्यूएशन का एक एक ब्रेक आ रहा है उन दोनों सेक्टर्स में। और जो सेक्टर में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं जो कि उससे भी एकदम अर्ली स्टेज है, आई थिंक उस सेक्शन में ज्यादा फ्रॉथ आया ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि फ्रॉथ ही नहीं आया था, फ्रॉथ तो था, सब सब जगह था, बट इतना फ्रॉथ नहीं था जो हमने लेटर स्टेज कंपनीज में, नैसडैक में, लिस्टेड कंपनीज में देखा। तो उसके कारण जो करेक्शन हम यहाँ देख रहे हैं वो इतना ज्यादा है नहीं, बिकॉज उतना अनरीजनेबल वैल्यूएशन हुए ही नहीं थे। बट यू आर राइट, ओवरऑल अगर आप सबको साथ में रख दें तो बहुत अच्छा करेक्शन है। एंड हमारा तो यही रिकमेंडेशन है कि ये करेक्शन का फायदा बिल्कुल उठाना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा, हमने अभी पैसा मार्केट से उठाया है, तो वी आर आई थिंक वेरी वेल प्लेस टू यू नो इन्वेस्ट ऐसी कंपनीज में जो अभी कंपनीज की बिजनेस अच्छा है, फाउंडर्स अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, और थोड़ा वैल्यूएशन में थोड़ा थोड़ा गिराव आया है। तो गुड टाइम्स।